नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। 8 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार महंगाई को ऊपर लेकर जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल 4.80 रुपये और डीजल 4.10 रुपये बढ़ चुका है। कच्चे तेल के ये दाम रशिया और यूक्रेन की जंग के कारण बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इसका विकल्प पहले से ही खोजने में लगी है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य भारत ने पहले 2030 तक 20% किया था, लेकिन इसको घटाकर 2025 कर दिया गया। एथेनॉल सस्ता ही नहीं पड़ता, यह 35% मोनोऑक्साइड कम निकालता है, जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि हम ऐसे इंजनों को तैयार करने की प्रयास कर रहे हैं जो केवल एथेनॉल से ही चले। एथेनॉल से गन्ना किसानों को पिछले कुछ वर्षों में बहुत फायदा हुआ है। 38 करोड़ से लेकर 320 करोड़ टन तक इसके उत्पादन को बढ़ाया जा चुका है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सस्ता से सस्ता तेल मुहैया कराया जाए। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत 80% अपनी ज़रूरत का तेल आयात करता है। यही कारण है कि सरकार एथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर विचार कर रही है।